गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ माय नायका शॉपिंग हॉल। सो कुछ ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें मंगाई हैं डेली बेसिस पे, जो मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। सो आई रियली होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ये मैं पर्सनल बेसिस पे यूज़ करती हूँ। एंड सी कुछ इस तरीके के बॉक्स में मुझे मेरे सारे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं रीपरचेज उन्हें करना पसंद करती हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से, जो कि आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माय सेकंड पोर्टल, ये मैंने पहले भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर मेरे पास है ट्रेसमे का ये कैरेटीन स्मूथ विद कैरेटीन एंड आर्गन ऑयल शैम्पू है ये। सो ये इसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है और नायका से मैंने इसे 350 रुपीज़ में लिया है। मेरे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कैरेटीन नहीं करा है बट हेयर कलर मैंने लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हेयर इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। एज यू कैन सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट परचेज, जो कि मैंने ट्रेसमे का शैम्पू लिया है। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है पॉन्ड्स का फेस वॉश। एंड आई डोंट नो कि लाइटनिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो वाइट कलर का, आई थिंक वाइट एंड पिंक कलर का मेरा बैकग्राउंड भी इसी तरीके का है, इस वजह से। तो पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का मैंने ये मिनरल क्ले फेशियल फॉर्म लिया है, जो कि इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है आपकी स्किन को विद विटामिन B3+ के साथ है ये। तो गाइस ये मैंने आज तक मैंने जो पिंक वाला आता था वो फेस वॉश मैंने ट्राई किया था, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये क्लेम कर रहा है कि डीप क्लीन करता है, ब्राइटन करता है स्किन को, और विटामिन B3+ के साथ ये आता है। सो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, डेमो चाहिए, सो मुझे कमेंट्स करके बताना, डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ माई सेकेंड प्रोडक्ट, वाइट इन टेक्स्चर के साथ आता है ये। अगेन ये जो प्रोडक्ट है इसका जो प्राइस है 210 है, ये मैंने 149 समथिंग का लिया है। यस और इसके बाद मेरा मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया था, जो कि मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। लाइक आप समझ सकते हो कि मैरिज के बाद मेकअप वगैरह करना पड़ता है डेली बेसिस पे। सो यहाँ पर मैं ये वाले गार्नियर का माइसलर वाटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑयल इन्फ्यूज़ क्लिनजिंग वाटर है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और ये क्लेम कर रहा है कि आपके रिमूव करता है मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप को, सॉरी, और प्लस क्लीन करता है आपकी स्किन को, नरिश करता है, नो रिंस ऑफ फेस, आईज, लिप्स, नॉन ग्रीसी कर देता है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये। सो इस तरीके का है ये। और बाय द वे इसका प्राइस मैं बताऊँ तो 399 है। अगेन नायका से मैंने आई गेस 249 समथिंग का लिया है, तो मैंने काफ़ी अच्छी डील में लिया है। तो ये भी जो प्रोडक्ट है ये मैं बार बार परचेज़ करने वाली हूँ, मतलब करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। दैन इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वुमेन ब्रेजर मंगाया है, जो कि वीनस का है, लेड बाय वीनस एडवांटेज एंड ब्रेज। ये क्लेम कर रहा है कि ये जेल बार्स के साथ है विद एवोकाडो ऑयल और ग्लिच फ्रेशिया सेंट है इसमें। तो इस तरीके की पैकेजिंग के साथ था। एंड जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में हमें रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे प्रोडक्ट की हमारे घर पे ही अवेलेबल हो, और क्योंकि वैक्सीन वगैरह कराना इट्स नॉट सेफ ना। तो ओपन करके मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, और ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। सो इसके साथ गाइस लाइक ये तो आपको पकड़ने के लिए हैंडल है, एंड दिस इज़ द ब्लेड, जो कि कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ है। एंड मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ यहाँ से। सो यहाँ से अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपका रेजर है, एंड सिंपल है इसको फिट करना, कोई ऐसी ट्रिक तो कुछ हैक्टिक नहीं है, जस्ट ये फिक्स हो गया एंड फ्लेक्सिबल है, तो आप इसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं अपने हेयर्स को। तो नेक्स्ट है ये, आप हैंड्स पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि अगेन इसका जो प्राइस है मैं आपको बताऊँ तो वेट मैं चेक कर रही हूँ, इसका प्राइस इस पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट ये भी मैंने डिस्काउंट के साथ लिया है। नाउ इसके बाद गाइस मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं। तो यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का मैंने जेट ब्लैक लिक्विड लाइनर लिया है, जो कि क्लेम कर रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग है। बाय द वे इसका जो प्राइस था वो मुझे बहुत सही लग रहा था, इसमें कलर भी आपको काफ़ी सारे मिल रहे थे। एंड प्राइस में यहाँ पे चेक कर रही हूँ, जो कि अगेन मुझे शो नहीं हो रहा है। तो मेरे पास बिल है, मैं बिल में चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने फेस वॉश लिया था पॉन्ड्स का वो 147 रुपीज़ का है, माइसलर वाटर 239 रुपीज़ का है, और जो मेरा रेज़र है वो है 293 रुपीज़ का। और इसके बाद ये जो मैंने नहीं ये नहीं, मैंने इसके बाद स्विस ब्यूटी के दो प्रोडक्ट्स लिए एक्चुअली। गाइस ये वाला जो लाइनर है ये मैंने 112 रुपीज़ का लिया है और जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो आई थिंक 180 या फिर 200 समथिंग है। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ है, पैकेजिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। प्लस अभी यहाँ पर ये लाइनर मैंने अप्लाई कर रखा है और जो इसकी ब्रश है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। लाइक फ्रंट का जो एरिया होता है यहाँ से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से थिन लाइन क्रिएट कर पा रही हूँ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि मुझे इस प्रोडक्ट में जो अच्छी लगी। एंड स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बाय द वे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक अभी यहाँ पे मेरे पास एक पिगमेंट रखा हुआ है, लूज पिगमेंट, ये मैंने बहुत टाइम पहले नायका से ही मंगाया था। अगेन ये मुझे बहुत पसंद है। सी अगर आपको परचेज करना हो तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी बाय द वे। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिया है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। तो यहाँ पर गाइस जो ये प्रोडक्ट है, तो गाइज़ ये मैंने लिया है 559 रुपीज़ का और आई थिंक इतने का ही है ये, या इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। 699 का है ये, तो मैंने ये डिस्काउंट के बाद लिया है 559 रुपीज़ का। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन। मैं मैरिज के बाद इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड इसमें जो मेरी शेड है वो है न्यूड आइवरी, बहुत ही अच्छी कवरेज शेड है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने जब वेट एंड वाइल्ड का 500 से ऊपर की शॉपिंग की तो यहाँ पर मुझे वेट एंड वाइल्ड की एक लिपस्टिक फ्री में मिली है जो कि बहुत ही अच्छा कलर है। एंड इसका जो नेम है वेट एंड वाइल्ड लिखा हुआ है इस पर। एंड इसके बाद शेड नंबर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि नेम नहीं लिखा। डोंट ब्लिंक पिंक, तो ये शेड है इसकी, बहुत ही सुंदर पिंक शेड है। यू कैन सी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है ये भी। अगेन जो इसका प्राइस मैंने देखा था ऑनलाइन तो 299 समथिंग था, बट ये मुझे फ्री में मिला है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर मैंने निका की है ना, तो यहाँ पे मैंने NK ब्यूटी का ये पैलेट मंगाया है जो कि मुझे इसका जो एक कलर है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड स्पेशली मैंने उसी कलर के लिए इसे मंगाया है। अगेन इसका जो MRP है गाइस वो है 599 या 600 समथिंग शो कर रहा था। इस पर मुझे नहीं देखना, हाँ 699 शो कर रहा था। एंड ये मैंने लिया है, इट्स अ न्योन 9 कलर पैलेट लकी चार्म एंड 350 रुपीज़ का ये मैंने लिया है। सो लुक एट दी पैलेट। फर्स्ट थिंग इज कि जो इसकी पैकेजिंग है बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लग रही है, न्योन टाइप में। एंड दिस इज़ दी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको 9 शेड्स मिल रही है। मैंने इस कलर के लिए इसको लिया है। अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं अलग से सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली शेयर करूँगी। देन इसके बाद बस होने वाला है वीडियो ख़त्म। तो मैं यहाँ पे एक स्विस ब्यूटी का वन ब्रांड मेकअप लुक करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी मंगाए हैं। तो इसके बाद मैंने नायका का ये ब्लैक लाइनर लिया है। इट्स अ ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर। अगेन ये डिस्काउंट के साथ मिल रहा था, कुछ इस तरीके से है। एंड जो इसका एप्लीकेटर है, जो थिन वाले आते हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे टाइप में कि यू नो इधर उधर खिसक जाए, जो थिक टाइप में आते हैं मुझे वो लाइनर बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो ये मैंने लिया है। एंड इसका प्राइस मैं आपको बताऊं तो इसका प्राइस मैंने 224 रुपीज़ का लिया है ये। एंड जो इसका MRP है आई थिंक 300 समथिंग था, इस पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यस तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिया है। इट्स आईब्रो पेंसिल इन दी शेड, मैंने इसमें आई थिंक ब्राउन या ब्लैक लिया था। तो ये मैंने 49 रुपीज़ का लिया है, 69 रुपीज़ इसका MRP था। एंड इस तरीके से है ये, यहाँ से आपको ब्रश भी मिल रहा है जिससे आप अपनी ब्रोज को सेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसको आप शार्प कर करके यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा हाइप में प्रोडक्ट था मैंने ये परचेज़ किया है। एक्चुअली मैं इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में ना मुझे शेड इसका बहुत ज़्यादा डाउट था कि मैं कौन सा शेड परचेज करूँ कौन सा ना करूँ, मेरी स्किन टोन से एग्जैक्टली कौन सा जाएगा। देन इसके बाद मैंने सोचा यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता शेड मेरा मिक्स। देन इसके बाद मैंने सोचा यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं शेड जाता है नहीं जाता, लेट्स देखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड लाइनर सॉरी कंसीलर लिया है। एंड इट्स अ कवर्ड दी ब्लेमिशेज एट वन स्टॉक, ठीक है, रिव्यू चाहते हो बताना ज़रूर। तो इसमें मेरे शेड जो है वो है 02 सैंड सैपल। एंड जब मैंने इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखी तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आई, ओ माय गॉड यार इतना मतलब अच्छे से इसकी पैकेजिंग है कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हम लेते हैं उसकी भी कई बार इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं होती। तो वैसे इसका MRP तो इस पर कहीं मेंशन नहीं है, बट जहाँ तक मैंने देखा था ये कई जगह 200 से ज़्यादा रुपीज़ में अवेलेबल था। तो मैंने लिया है 172 रुपीज़ का। एंड दिस इज़ द पैकेजिंग, लाइक बहुत ही सुंदर मुझे लगा। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। और अगर आप इसका रिव्यू चाहो तो तो मुझे बता देना। सो हल्का सा मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने ट्राई किया एंड जैसा कि ये क्लेम कर रहा है वन स्टॉप में बहुत ही अच्छी कवरेज देता है, आपके जो ब्लैमिशेज़ हैं उनको हाइड कर देता है, वो चीज़ है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसे यूज़ करने से पहले बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ कर ले। इफ़ यू गाइज हैव ड्राई स्किन तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी टाइप में है। मतलब इतना ज़्यादा भी स्टिकी टाइप में नहीं है, एक मेकअप रेवोल्यूशन का आता है, वो बहुत स्टिकी टाइप में कंसीलर है, उतना नहीं है लेकिन हाँ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस दिस इज़ बेस्ट। सो येस गाइज, ये था मेरा नायका का छोटा सा शॉपिंग हॉल एंड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। इसी तरह अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, शॉपिंग हॉल देखना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसी तरह मैं और भी नई नई वीडियोज़ आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ मेरा आज का छोटा सा हॉल वीडियो आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मीन्स अ लॉट टू मी। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। लव यू ऑल, बाय।